नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णेश कौशल और आपसे फिर से बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सोनू जी को फिर से सिखाने वाले हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पहला वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया जिसमें सोनू जी चलाए थे बोलेरो, वो भी सिर्फ फर्स्ट गियर में। जो इंसान को कभी भी कार चलाना ना आता उस इंसान ने कार चला के दिखाया फर्स्ट ड्राइव पे। ठीक है, वो वीडियो दोस्तों आप लोग देखना चाहते हैं तो इस आई वाला बटन जाके आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में काफी ज्यादा प्यार दिया आप लोग, उसके लिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनू जी, आज आपको क्या लगता है कि इस गाड़ी को आप चला पाइएगा, क्योंकि ये दूसरा गाड़ी है। पहला गियर पे जब पहला गियर आप चलाना सीखे थे वो था बोलेरो और ये है अभी इको स्पॉर्ट। तो आपको लगता है कि आप चला लेंगे? हाँ चला लेंगे, आप साथ तो क्यों नहीं चला लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सोनू जी आज सेकंड और थर्ड और फोर्थ गियर चला पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि सोनू जी का भी एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। इन्होंने बताया था कि सर प्लीज आप मुझे भी गाड़ी चलाना सिखाइए। तो ये भाई साहब मेरे पास आए थे और बोले थे भाई प्लीज मुझे भी गाड़ी चलाना सिखाओ। तो भाई आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सबसे पहले ये तो बताओ? मिस्टर डेविल इज लाइव। मिस्टर डेविल इज लाइव, भाई आप लोग भी जाके बिल्कुल सब्सक्राइब करना और इसका मैं चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। अगर घर बैठे कम कीमत पर अच्छी कंडीशन वाली कार खरीदना चाहते हैं तो कास्ट 24 आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कास्ट 24 की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर मौजूद हजारों कारों में से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार चुनिए। उस कार को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हर एंगल से देखिए। अगर कार पसंद आए तो उसे बुक करवा लीजिए। कास्ट 24 आपके दरवाजे पर आपकी गाड़ी को डिलीवरी करवाता है। अगर आपको कार पसंद ना आए तो 7 दिन के अंदर आप उसे वापस भी कर सकते हैं। कास्ट 24 अपनी गाड़ी को बेचने से पहले 140 पैरामीटर पर चेक करती है। इसके बाद कास्ट 24 इसे बेचने की प्रक्रिया शुरू करती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके अपनी पसंद की यूज्ड कार अभी बुक कीजिए। तो चलिए सोनू जी, सबसे पहले आप गाड़ी पे बैठ जाइए और सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि फर्स्ट ड्राइव आप किस तरह से ड्राइव किए थे। जब पहली बार आपने गाड़ी चलाया था उस टाइम आप पहले गियर पे किस तरह को गाड़ी चलाए थे, उस तरह एक बार आप ड्राइव करके जरूर दिखाइए। तो सोनू जी बैठ चुके हैं, देख सकते हैं। तो सोनू जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या क्या अभी तक आप जानते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक आपको ऐसा कुछ है जो आप भूल गए हैं। क्या क्या है ये, क्या है ये? एक्सीलेटर है, गुड, ब्रेक, ओके, क्लच। ओके, तो कौन सा पाव से क्लच का यूज करना चाहिए? इससे बस एक्सीलेटर और इससे क्लच और ब्रेक। नहीं नहीं, ब्रेक और क्लच नहीं नहीं, आप भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। इस पाव से सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर यूज करना चाहिए, बाएं वाला पाव से जो है सिर्फ क्लच को यूज करना चाहिए। ठीक है, और इस पाव को कहाँ पे रखना चाहिए? ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में पाव को रखना चाहिए, जिससे कि आप दोनों का हैंडल कर पाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, और आप इधर क्या है ये गियर है ये और ये हैंड ब्रेक। ओके ओके, ये स्टीयरिंग और ये तो पता ही होगा। हाँ, ये क्या सीट बेल्ट, तो बांध लो ना भाई। तो सोनू जी बांध रहे हैं सीट बेल्ट, तो हम चलते हैं उस और। तो चलिए सोनू जी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या आपको करना क्या है, न्यूट्रल को चेक करना है। न्यूट्रल कीजिए, ठीक है, न्यूट्रल है। हाँ। हैंड ब्रेक को डाउन कीजिए, दबाइए, हल्का सा उठाइए, दबाइए। ओके, तो क्लच दबाइए सबसे पहले आप। यहाँ पे पुश बटन है, क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाइए, लगा दीजिए, वेरी गुड। अब क्या करना है? धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, बहुत अच्छा बात। तो धीरे धीरे क्लच को छोड़िए अभी आप, रेस मत लीजिए, रेस मत लीजिए, रेस मत लीजिए, रेस नहीं लेना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब सेकंड गियर किस तरह से लगाना वो चीज़ आपको सिखाने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले आप चला लीजिए गाड़ी को, जैसे कि आप रोड भी देख सकते हैं बिल्कुल रोड खाली है, आराम से चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हल्का सा गाड़ी को स्पीड कीजिए, मतलब रेस से हल्का सा, धीरे धीरे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड नहीं करना। ठीक है, हल्का सा स्पीड कीजिए। तो हाँ, बस यही चीज़ बात बोलना चाह रहे थे आपसे। जब इस तरह से हल्का से जब स्पीड हो जाए गाड़ी सोनू जी, तो क्या करना है आपको, उसी वक्त एक्सीलेटर को मतलब रेस को छोड़ देना है। ठीक है, रेस को छोड़ते ही तुरंत क्लच को दबाना है और सेकंड गियर इस तरह से बिल्कुल लगाना है। रेस पहले स्पीड कर लीजिए गाड़ी को, देखिए नहीं हुआ, नहीं हुआ, फर्स्ट गियर फिर से डालिए, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फर्स्ट गियर डालिए, चलिए। हाँ, धीरे 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 धीरे, रेस नहीं लेना है, बोले ना, जब भी क्लच को छोड़िएगा उस वक्त आप रेस मत लीजिएगा। ठीक है, तो हल्का से देखिए, मतलब समझे नहीं, देखिए ये तीन क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है। ठीक है, तो रेस को दबा रहे हैं आप, रेस को जैसे दबाइएगा हल्का सी स्पीड हो जाए गाड़ी। ठीक है, स्पीड जैसे हुआ उसके बाद क्या करना है, रेस को तुरंत पाँव से हटा देना है, पाँव हटा देना। ठीक है, तुरंत क्लच दबा देना है और गियर को चेंज करना है। और गियर को जब भी चेंज कीजिएगा अपने हाथ का फोर्स जो बिल्कुल इस साइड होना चाहिए मेरे और। ठीक है, तो चलिए हल्का सा पहले रेस स्पीड कीजिए गाड़ी को, तुरंत हाँ रेस छोड़िए, रेस छोड़िए, क्लच दबाइए, बस, वेरी गुड।
बहुत झटका से अपने सेकंड गियर को, मतलब जो क्लच है बहुत झटका से छोड़ना है, ठीक है, उसको सॉफ्टली छोड़ना है, बिल्कुल आराम से छोड़ना है। और ये सनरूफ का मजा आप लोग भी लीजिए। रोहित जी मजा आ रहा है ना? जी 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 पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। तो सोनू जी अच्छी तरह से चला पा रहे हैं? ठीक से चला रहे हैं, आप न्यू ड्राइवर हैं। तो अपने साइड ले भाई, कोई बाइक आ रहा लग रहा पीछे से। वेरी गुड, आपका स्टेयरिंग का जो कंट्रोलिंग है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको जो अगर हम रोकने बोलेंगे तो किस तरफ रोकेगा गाड़ी को? पहले हल्का सा ब्रेक दबाना, फिर क्लच, फिर ब्रेक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। गाड़ी तो पीछे गाड़ी है, आराम से जाने दो, जाने दो पीछे वाला गाड़ी को, जाने दो भाई। तो पीछे गाड़ी था, जब भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा सोनू जी, कभी भी अगर आपको अचानक से ब्रेक मारना हो ना तो सबसे पहले इस IRV मिरर और ORV मिरर को देख लीजिएगा पीछे, मतलब पीछे कोई भी गाड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, अचानक से ब्रेक मार दीजिएगा ना तो पीछे वाले जो कोई भी गाड़ी आएगा तो उसको अचानक से मतलब वो घबरा जाएगा और आपको हिट कर सकता है गाड़ी का, आपका गाड़ी को हिट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी कौन से गियर पर चल रहा है? अभी एक गियर पर, फर्स्ट गियर पर ना। तो उसी तरह फिर से आपको करना है, सेकंड गियर पर डालना है। इधर देख सकते हैं उधर एक टेम्पो आ रहा है, तो टेम्पो को थोड़ा पार होने दो और बिल्कुल जब रोड खाली हो जाएगा ना उस वक्त आप कीजिएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल आराम से चलिए धीरे धीरे। तो टेम्पो पार हो चुका है, ठीक है। आप हल्का से फिर से स्पीड कीजिए गाड़ी को, फर्स्ट गियर में है ना अभी। हाँ बीच रोड पे चलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बीच रोड पे गाड़ी चलाने की कोशिश कीजिए। हाँ आप रुकिए, अभी नहीं, थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड होने दीजिएगा, आपको रेस से लगेगा जो आप गाड़ी स्पीड हो रहा है, थोड़ा सा करता है, मतलब आपको उस वक्त इंजन को जो नॉइज है ना हल्का बढ़ जाएगा, तब आपको समझना है सेकंड गियर डालना, ठीक है। हल्का सी स्पीड बढ़ाइए। हाँ अब कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने सेकंड गियर चेंज किया है। अब चलिए स्पीड चलिए, थोड़ा सा जैसे जैसे आप स्पीड चलाइएगा ना वैसे वैसे आपका डर खत्म होगा। अभी आपको डर लग रहा है क्या? हाँ हल्का हेजिटेशन हो रहा है। हल्का सा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए और फिर से मतलब स्टेयरिंग पे हाथ रखे, इसलिए आपको घबराहट सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन डरना नहीं है। डर के आगे क्या है? जीत। डर के आगे जीत है, तो डरना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ चाहते हैं कि आप इस रोड पे थर्ड गियर लगाइए, तो थर्ड गियर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको थोड़ा सा स्पीड करना होगा, ये नहीं कि अभी देखो नॉर्मल स्पीड चल रहा है। अभी कितना स्पीड चल रहा है? 24-25 चल रहा है, कम से कम 30 पार होने दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड कीजिए, उसके बाद थर्ड गियर लगाइएगा। हाँ आप लगाइए, क्लच दबा के। हाँ क्लच दबाए ना, बस वेरी गुड। जैसे अभी क्या हुआ प्रॉब्लम आपका, जो आप जैसे क्लच छोड़े ना उस वक्त आप तुरंत रेस ले लिए, उस वक्त रेस नहीं लेना है, जैसे कि उससे क्या होगा ना बहुत ज़्यादा तेज़ से गाड़ी बढ़ने लगता है, तो फिर से आपको घबराहट आने लगेगा, फिर से आप डरने लगेगा, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आगे देख सकते हल्का सा गड्ढा है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक दबाइए, क्लच पूरा दबाइए, पूरा क्लच दबाइए, ऐसे गाड़ी बंद ना हो, ठीक है। आप गियर जो है निड्रोल कीजिए सबसे पहले, आप फर्स्ट गियर नहीं डालना है, चलती गाड़ी में इस तरह से अचानक से फर्स्ट गियर डालिएगा ना तो गाड़ी पे इंजन पर लोड पड़ता है, ठीक है, और अचानक से आपका मतलब झटका टाइप से लगेगा, इसलिए आपको जब नॉर्मल स्पीड हुआ तो उस वक्त आपको क्या करना है, सेकंड गियर डालना था, ठीक है, फर्स्ट गियर नहीं। जब गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगा सोनू जी उस वक्त ही आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर डालना है। तो फिर से फर्स्ट गियर डालें, फिर से कोई बात नहीं। तो हम चाहते हैं सोनू जी आप यहाँ आगे देखते थे थोड़ा सा कुछ जानवर वानवर है वहाँ पर लग रहा है, तो इस जगह पर आप पार करके आप एक बार अपने से चलाइए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ कुछ करना नहीं है, उसी प्रकार को रेस दबाना है, ठीक है। रेस को छोड़ते ही क्लच को दबा देना है और बिल्कुल ये वाला जो गियर लगा हुआ है बस सीधा पीछे कर देना है, फोर्थ गियर लग जाएगा। थर्ड और फोर्थ गियर लगाना मतलब सबसे आसान है गाड़ी में लगाना, ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड गियर डाल के यहाँ से वहाँ तक ले जाइए। तो भाई मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि सोनू जी काफ़ी दिनों बाद गाड़ी को फिर से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से चलाएं। तो रोहित जी आपको क्या कहना है इसमें? इसमें हमको कहना क्या है, अब इतना दिन बाद आया है घर, हाँ तो चला लेते हैं, देखते हैं, हम भी जानेंगे कि भूले हैं कि याद है। हाँ तो देख सकते हैं आगे जानवर है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे आराम से करना, ठीक है। हल्का सा क्लच दबा के रखना है, फर्स्ट गियर डालिए और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाफ क्लच छोड़िएगा, ठीक है। उस वक्त जैसे जैसे आप हाफ क्लच छोड़िएगा आराम से पार हो जाएगा गाड़ी, रेस मत लगाइए, क्लच दबाइए, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़िए, सिर्फ धीरे धीरे क्लच छोड़ के निकालना है गाड़ी यहाँ से, हल्का हल्का क्लच छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है,
जैसे ही लगेगा कि आगे कुछ आगे, फिर से तुरंत क्लच दबा देना, ठीक है, उससे आपका गाड़ी जो है बिल्कुल बंद नहीं होगा। बस फिर से इसी तरह धीरे धीरे पार कीजिए, ऐसी जगह पे आपको वैसे ही करना है, हाफ क्लच छोड़, सिर्फ हाफ क्लच में गाड़ी को चलाना है। रेस को तो बिल्कुल रखने, मतलब पाँव रखना ही नहीं रेस पे, ठीक है, ब्रेक पे पाँव रखिए, इमरजेंसी को दबाना पड़े तो उस वक्त आप दबा सकते हैं जैसे कि, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ भी सोनू जी बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे हैं, देख सकते हैं आगे कितना गाय है, ठीक है, और सोनू जी का हेजिटेशन, डर बिल्कुल नहीं है, आराम से बस हल्का क्लच छोड़िए, हल्का दबाइए बस, ये वाला यहाँ आप ड्राइव कर लिए ना सोनू जी, तो सोच लीजिए कि आप बहुत भीड़ भाड़ा इलाके में भी आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, क्लच ब्रेक दबाइए बस, धीरे धीरे निकालिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस आपका रहा है सोनू जी यहाँ पे आपका, आराम से देख सकते बुड्ढा जी हैं, दादाजी मतलब, बुड्ढा जी नहीं सॉरी। तो बस यहाँ से निकल गया आपका, वहाँ देख सकते एक पत्थर है, तो पत्थर को बचा के, ठीक है, हाँ उस साइड पे चलिए। अब यहाँ से तेज़ी कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर और फोर्थ गियर तक चला के दिखाइए, हम यहाँ पे आप कुछ नहीं बोलने वाला है, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें भी हो सकता है आपका मतलब लग रहा है कि यार कितना बकबक करते रहता है बंदा, तो चलिए कीजिए, फर्स्ट गियर सेकंड, वेरी गुड, सनरूफ के ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़ारा है, आगे मोड़ है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, अभी सेकंड गियर में है ना, हाँ। आगे बच्चे भी हैं तो आराम से, ठीक है, देखिए कुछ भी ऐसा हो आपको डर लग जाना है तो बिल्कुल हॉर्न दबाइए और क्लच और ब्रेक तुरंत दबा देना है, पहले ब्रेक उसके बाद क्लच, गाड़ी आपका बिल्कुल कंट्रोलिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप डालिए थर्ड गियर, डालिए सोनू जी थर्ड गियर, क्लच दबाइए, रेस को छोड़िए, थर्ड गियर है बिल्कुल थर्ड गियर में, आराम से आराम से, क्लच दबाइए, सेकंड गियर डालिए, सेकंड गियर डालिए, गड्ढा है, आराम से बहुत बड़ा गड्ढा है, देखिए ऐसा जगह आपको मिल जाए ना कोई आगे अचानक से कोई गड्ढा आ गया तो उस वक्त आपको क्या करना है, सिंपल से आपको लॉजिक है, सबसे पहले ब्रेक दबाइए, उसको ब्रेक दबाते ही तुरंत क्लच को दबाना है और कोई भी गियर हो ऐसी जगह पे आपको सेकंड गियर डालना था, ठीक है, उसके बाद आराम से हल्का हल्का रेस को छोड़िएगा, आराम से आपका गाड़ी बढ़ता जाएगा। चलो सेकंड से थर्ड गियर लगाओ, बाइक आ रहा अपने साइड पे, थर्ड गियर डालो, फिफ्थ गियर लग गया हमको आई थिंक, रिटर्न करो, एक ब्रेक है, ब्रेक दबाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर डालो, वेरी गुड, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ना फिफ्थ गियर में उस साइड लेके आगे की, मतलब आगे को धक्का दे रहा है इसलिए फिफ्थ गियर लगे रहा है, सिर्फ हल्का सा यहाँ पे पुश करना है, बीच में चला आएगा, उसके बाद आपको सीधा मतलब इसके सेंटर पे, ठीक है, चलो डालो डालो सेकंड सेकंड गियर थर्ड गियर, वेरी गुड, फोर्थ डाल दो, क्लच दबाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सोनू जी भाई बहुत ही अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस तरह से सोनू जी ड्राइव कर पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, फिर देखिए आप जो यहाँ पे सिस्टम कर रहे हैं ना, फोर्थ गियर लगा था, फोर्थ से आप थर्ड ले गए, थर्ड से फिर सेकंड लगाए, ये बहुत ही ऑड है, मतलब इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे क्या था ना, फोर्थ गियर लगा हुआ था, सपोज डेट फोर्थ गियर लगा हुआ था तो आपको हल्का से सिर्फ ब्रेक को दबाना था, क्लच को दबाना था, ठीक है, और न्यूट्रल करके इस तरह से डायरेक्ट सेकेंड गियर ले आना है, उसमें आप आराम से फिर आपको गाड़ी को नॉर्मल स्पीड जो आ जाता है उसमें आराम से गाड़ी यहाँ पर पार हो जाता, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकेंड, ये बहुत लंबा हो जाता है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड,
डर वगैरह कुछ? थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा गाड़ी चलाने के बाद डर हट जाता है, ऐसा महसूस हो रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, बट अभी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो हल्का फुल्का बारिश हो रहा था, एक बार वाइपर। थर्ड गियर लगा लगा, थर्ड गियर लगा, देरी मत करो, क्लच दबाओ। हाँ, फिफ्थ गियर लग गया, क्लच दबाए क्लच दबाए क्लच दबा के सेकंड गियर लगाइए, थर्ड गियर, फोर्थ गियर लग गया। हाँ, आप फिर से वेरी गुड सुनो जी, आज हम बहुत खुश हुए कि आप इस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब बस आप सेकंड राउंड में आप इतने अच्छी तरह से ड्राइव कर लिए, मुझे बहुत खुशी हुआ यार। स्पीड चलाइए, तो कोशिश कीजिए स्पीड चलाने का, डरिए मत, हम हैं साथ में। सेकंड लगा, सेकंड से थर्ड लगाइए, वाह वेरी गुड। चलिए फोर्थ लगाइए, स्टीयरिंग कंट्रोलिंग, फोर्थ गियर लगाइए, वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्पीड चलिए, और स्पीड चलिए, और स्पीड चलिए, और रेस दबाइए, और रेस दबाइए, और रेस दबाइए। अब आपको अचानक से अब सोच लीजिए कोई आ गया गाड़ी के आगे, तो क्या करना है? थोड़ा ब्रेक दबाना है, क्लच, फुल क्लच, बस कंट्रोल हो गया, गाड़ी रुक गया, उसके बाद आराम से गियर को चेंज कर सकते हैं, मतलब गाड़ी बिल्कुल रुक गया यहाँ पे, तो अब क्या करना है? फर्स्ट गियर डालना था, ठीक है। चलिए हम यही चीज़ देखना चाहते हैं, आगे कोई बंदा आ जाएगा तो उस वक्त आप गाड़ी को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, वो चीज़ देखना चाहते हैं थोड़ा सा हम सेकंड गियर में देखेंगे, ठीक है। जब आपको अचानक से ब्रेक दबाने बोलेंगे ना हम, तो तुरंत ब्रेक दबाना है, तुरंत क्लच दबाना है, और फिर से तुरंत दबा के तुरंत, मतलब क्या करना है? हम बोलेंगे ब्रेक दबाओ, तो क्या कीजिएगा? ब्रेक दबा के क्लच दबाएगा, फिर पूरा ब्रेक दबा सकिएगा इस तरह से, मतलब आगे अगर कुछ आ गया तो इसमें आप कंट्रोलिंग अच्छी तरह से कर पाइएगा, ठीक है। और आपको हम बोलेंगे कि सोनो जी, अभी आपका गाड़ी स्पीड चल रहा है, सपोज डेट कि आपका आगे कोई जंप आ गया, तो आपको क्या करना है? हल्का ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, फिर सेकंड गियर लाना है, मतलब गाड़ी को, मतलब सोच लीजिए एक स्पीड थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाता है। चलिए यहाँ से फिर से कीजिए, फर्स्ट गियर डालिए, फर्स्ट गियर में, चलिए वेरी गुड। चलिए सेकंड गियर, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी नहीं, वहाँ दबा इधर, क्लच दबा, क्लच दबा, पूरा क्लच दबा, ठीक है। चलिए स्पीड कीजिए, जब भी गियर चाहिए पूरा क्लच दबाइएगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे सटना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थर्ड गियर स्पीड कीजिए, अब स्पीड कीजिए, तो पूरा स्पीड कीजिए, तो गाड़ी को पूरा स्पीड कीजिए, पूरा स्पीड कीजिए, पूरा स्पीड कीजिए, और स्पीड कीजिए, सोनू जी ब्रेक दबाइए, वाह बहुत अच्छा कंट्रोलिंग, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अभी आप देखिए क्या हुआ, आपका यहाँ पे गाड़ी बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि आप समय पे क्लच दबाएं, फिर से समय से आप ब्रेक दबाएं, इसके कारण आपका जो है गाड़ी बंद नहीं हुआ। बहुत सारे जो सीखते हैं नया नया, वो क्या करते हैं, सिर्फ ब्रेक को दबाते हैं, जिसके कारण उनका गाड़ी बंद हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गाड़ी को बंद कीजिए, सबसे पहले साइड कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा के, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोनू जी, तो भाई आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सोनू जी से, क्योंकि सोनू जी बहुत अच्छी तरह से ड्राइव किए कार को। सोनू जी सही से बताइएगा मुझे कि इससे पहले आप वो, मतलब जब हम सिखाए थे आपको बोलेरो चलाना फर्स्ट गियर पे, हाँ। इसके बाद कहीं आप ट्राई किए थे क्या? नहीं कहीं नहीं ट्राई नहीं किया ना, लेकिन अच्छा आप वीडियो देखें, हाँ। वीडियो देखे थे ना, हाँ। तो वीडियो देखने से आपका थोड़ा सा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर ना, ऐसा लग रहा था क्या आपको? जरूर आप वीडियो देखे हैं, देखे हैं ना, तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सोनू जी किस तरह से गाड़ी को चलाएं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो और सोनू जी का और एक चैनल है भाई, सोनू जी का मिस्टर डेविल इज लाइव, बस भाई इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।